आप जिस डॉक्टर को देख रहे हैं यह वही डॉक्टर है जो बाहर अस्पताल में इलाज कराने के नाम पर धन ऐंठने का काम कर रहा था। इस डॉक्टर को इसके आरोपों के चलते ही उसे बर्खास्त कर दिया गया है। विवादों में रहने वाले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मनमानी व इलाज करने के नाम पर मोटी राशि ऐंठने के आरोपों के चलते एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के बाद आज छापामार कार्रवाई की गई। इस कॉलेज में डॉक्टरों व कर्मचारियों गोरख धंधे की शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 4 मेडिकल स्टोरों पर एक साथ छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक मेडिकल स्टोर में बिना परमिशन के एक डेंटल चेयर लगी मिली, जबकि दूसरे मेडिकल स्टोर पर बिना परमिशन के लैब मिली। इस छापेमारी में एक टीम के हाथ काफी कुछ मिला है। टीम ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा दवाइयां लिखी गई पर्चियां भी पकड़ी हैं। टीम ने पर्चियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, साथ में टर्मिनेट किए गए डॉक्टर के बयान भी कलमबद्ध किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के एक डेंटल डॉक्टर द्वारा मरीज का निजी अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करने के आरोप लगे थे। इस डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद इसे तुरंत प्रभाव से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया है। को हमने कल कल से ही टर्मिनेट कर दिया सर्विस, क्योंकि वो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर था और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो टेम्परेरी 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसमें हमने उसका जो उसका आचरण देख के, क्योंकि उसने मिसकंडक्ट किया है, तो उसके आधार पर हमने उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कोई कर इसमें दी। और भी डॉक्टर इसमें शामिल हैं ये? नहीं, अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं, लेकिन हमने जो यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको हमने जाँच भी सौंप रखी है, वो जाँच की रिपोर्ट। आज न्यूज के लिए करनाल से MS निर्मल।